हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फील हैप्पीनेस। और आज हम बात करने वाले हैं आमिर खान के बारे में। आमिर खान का पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। आमिर का जन्म 14 मार्च 1965 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता ताहिर हुसैन और माँ जन्नत हुसैन हैं। उन्होंने 4 नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण भी मिला है। उनके परिवार के बहुत से लोग फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। उनके अंकल नसीर हुसैन भी फिल्म जगत से थे। कहा जाता है दसवें शास्त्री के रिश्तेदार भी हैं आमिर खान। उनका भतीजा इमरान खान एक फिल्म एक्टर के तौर पे काम करता है। वह बचपन से ही फिल्म कर रहे हैं। वह अपना पहला फिल्म 1973 में यादों की बारात में बचपन में काम किए थे और उसी साल मधुस में भी काम किए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जेबी पीटर स्कूल से की, बाद में बांद्रा के संत एनस स्कूल से की और बाद में 9वीं-10वीं की शिक्षा बम्बई के स्कॉटिश स्कूल से की। आमिर जी को बचपन से ही टेनिस की रुचि थी। आमिर के टीचर कहा करते थे कि वह पढ़ाई में कर और खेलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रयोग किया, 40 मिनट की एक साइलेंट फिल्म बनाई। यह फिल्म उनके स्कूल के एक दोस्त आदित्य भट्टाचार्य के निर्देश में बनाया गया था। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा फिल्म इंडस्ट्री में न जाके डॉक्टर या इंजीनियर बने। वह इसके विपरीत फिल्म जगत में जाना पसंद करते थे। उन्हें फिल्म जगत से ज़्यादा लगाव था। उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, लाख परेशानियाँ आएँ, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।